क्या आपको पता है कि बिना अंतरिक्ष यात्री के स्पेस सूट का वजन कितना किलोग्राम होता है? क्या आप उस महिला के बारे में जानते हैं जो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक देख सकती थी? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि प्राचीन समय में भालू का शिकार करने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाई जाती थी? क्या आपको पता है कि इंसान के साथ साथ कुत्ते भी आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन कैसे? तो इन मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, ये तो हम सभी जानते हैं कि इंसान का दिमाग बॉडी को कमांड देने का काम करता है, जिसकी वजह से हम हर छोटे से छोटे काम को पूरा कर पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान का दिमाग शरीर को कमांड देने के साथ साथ उसकी मांसपेशियों को कंट्रोल करने का भी काम करता है, ताकि इंसान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ना कर सके। दरअसल इंसान के शरीर में मांसपेशियां इतनी मजबूत और ताकतवर होती हैं कि वो एक भारी भरकम कार को भी आसानी से धकेल सकती हैं। लेकिन इंसान का दिमाग मांसपेशियों को कंट्रोल करता है और उन्हें उतनी ही ऊर्जा खर्च करने देता है जितना किसी काम को पूरा करने के लिए चाहिए होती है। अगर हमारा दिमाग मांसपेशियों को कंट्रोल ना करे तो हम हर छोटे से छोटे काम को पूरा करने के लिए बल का इस्तेमाल करने लगेंगे, जिसकी वजह से हमारे लिए ही मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फैक्ट नंबर 2, धरती पर हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, फिर चाहे दो जुड़वा भाई शक्ल से एक जैसे दिखाई देते हों, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट भी अलग होंगे। इन्हीं फिंगरप्रिंट्स की वजह से ही लोगों की पहचान की जाती है, क्योंकि कई बार एक शक्ल के दो लोग पुलिस या कानून को चकमा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर सिर्फ इंसान के फिंगरप्रिंट्स ही सबसे अलग नहीं होते हैं, बल्कि इस लिस्ट में बिल्ली का नाम भी शामिल है। हर बिल्ली की नाक पर प्रिंट अलग होता है, जिसकी वजह से उसकी पहचान करना आसान हो जाता है। विदेशों में लोग अपने पालतू बिल्ली के नोज प्रिंट को पुलिस स्टेशन में जमा करवाते हैं, ताकि बिल्ली के गुम हो जाने पर पुलिस उसे नोज प्रिंट के जरिए आसानी से ढूंढ ले। फैक्ट नंबर 3, आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसके दम पर इंसान किसी भी नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकता है। ऐसे में ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन नाम की कंपनी ने स्पेस में लग्जरी होटल का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसका नाम वॉयजर क्लास स्पेस स्टेशन रखा गया है और इसका डिजाइन गोलाकार होगा। इस होटल में लग्जरी कमरों से लेकर बार, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, स्पा और पार्क जैसी सुविधाएं होंगी। आपको बता दें कि होटल का इंफ्रास्ट्रक्चर पृथ्वी पर ही तैयार किया जा रहा है, जबकि अंतरिक्ष में ये होटल आर्टिफिशियल ग्रेविटी के बल पर 24 घंटे घूमता रहेगा। कंपनी को उम्मीद है कि साल 2027 तक वॉयजर क्लास स्पेस स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद पृथ्वीवासी इस होटल में ठहरने और मौज मस्ती करने का लुत्फ उठा सकते हैं। इस होटल के अंदर से लोगों को स्पेस का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा, जबकि यहां 400 लोगों की कैपेसिटी वाली लाइब्रेरी और जिम भी बनाया जा रहा है। हालांकि वॉयजर क्लास स्पेस स्टेशन का लुत्फ उठा पाना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें जाने और वापस आने के लिए रॉकेट का खर्चा और वहां ठहरने का एक्सपेंसेस भी जोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से ये होटल करोड़पति लोगों की पहुंच तक ही सीमित होगा। फैक्ट नंबर 4, यूं तो आपने कई तरह के फल खाए होंगे जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड और मलेशिया में एक ऐसा फल भी उगाया जाता है जो अपनी स्मेल की वजह से बदनाम है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उस फल का नाम है डूरियन। ये फल काफी हद तक कटहल की तरह दिखाई देता है, लेकिन इससे आने वाली बदबू बहुत ही खतरनाक और बर्दाश्त से बाहर होती है। इसलिए थाईलैंड, जापान और हांगकांग जैसे देशों में डूरियन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने पर बैन है। अगर कोई इस फल को खाना चाहता है तो उसे खुद पेड़ से तोड़कर या ग्रामीणों से खरीदकर डूरियन को घर तक लाना होगा। वहीं सिंगापुर में डूरियन को किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपने साथ ले जाने पर बैन है। यहां तक कि डूरियन को खरीदने वाला व्यक्ति टैक्सी में भी सफर नहीं कर सकता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को डूरियन का स्वाद चखना होता है तो उसके पास खुद की कार होनी चाहिए। आपको बता दें कि डूरियन से गंदे बदबूदार मोजे और प्याज के सड़ जाने की बदबू आती है, जिसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ले जाने से दूसरे लोगों को असुविधा होती है। हालांकि डूरियन की बदबू जितनी खतरनाक है, इस फल का स्वाद उतना ही मीठा और रसीला है। यही वजह है कि बेहद बदबूदार और ट्रांसपोर्ट में बैन होने के बावजूद भी कई लोग डूरियन को पर्सनली खरीद कर घर लाना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 5, अगर आप शहरों में रहते हैं तो आपने भी सड़क पर घूमने वाले जानवरों को जरूर देखा होगा, जिसमें कुत्तों की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तरह बीतते समय के साथ इंसान का विकास हुआ है और वो आधुनिक बनता जा रहा है, ठीक उसी तरह इस बदलते समय का असर कुत्तों समेत दूसरों जानवरों पर भी देखा जा सकता है। शहरों में रहने वाले ज्यादातर कुत्ते ट्रैफिक सिग्नल पर लगी लाइट्स के हिसाब से रोड क्रॉस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि लाल बत्ती होने पर सभी गाड़ियां रुक जाती हैं। वहीं जिन जगहों पर ट्रैफिक लाइट नहीं होती है, वहां कुत्ते
इंसान के साथ चलते चलते रोड क्रॉस कर लेते हैं। इसके अलावा कोरोना काल में कुत्ते ये भी समझ चुके हैं कि इंसान अपने चेहरे पर मास्क पहन कर रखता है, इसलिए रात के समय भी मास्क से चेहरा ढके होने के बाद भी कुत्ते राह चलते व्यक्ति पर भौंकते नहीं है। वरना 2 साल पहले अगर सड़क पर किसी व्यक्ति ने चेहरा कवर किया होता था तो कुत्ते उसे चोर समझ कर भौंकना शुरू कर देते थे। इसके साथ ही कुत्ते मास्क में भी अपने मालिक या जान पहचान के व्यक्ति को पहचान लेते हैं, जिससे ये पता चलता है कि बीतते समय के साथ अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए जानवर भी खुद को अपडेट करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, आज के आधुनिक समय में लैपटॉप और मोबाइल चलाने की वजह से ज्यादातर लोगों की आंखें कमजोर हो गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें साफ साफ देखने के लिए चश्मा पहनने की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जर्मनी में एक ऐसी महिला भी थी जो 1 किलोमीटर की दूरी तक बिल्कुल साफ साफ देख सकती थी? उस महिला का नाम वेरोनिका सीडर था, जिनका जन्म साल 1951 में वेस्ट जर्मनी में हुआ था। साल 1972 में यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम के दौरान पता चला कि वेरोनिका का आई विजन 20 था, जिसकी वजह से वो 1.6 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर मौजूद इंसान को देख सकती हैं और उस दूरी पर मौजूद बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि एक आम इंसान की आई विजन क्वालिटी 20 में से 2 होती है, जबकि वेरोनिका का आई विजन 20 में से 20 पॉइंट था। एक नॉर्मल आई विजन वाला व्यक्ति सिर्फ 20 फीट तक मौजूद इंसान या डिटेल्स को देख सकता है, वो भी अगर उसे चश्मा ना लगा हो। लेकिन वेरोनिका अपनी कमाल या जादुई आंखों के दम पर 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक देख सकती थी, जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि वेरोनिका की आंखें इतनी दूरी तक कैसे देख पाती हैं, लेकिन लंबी दूरी तक देखने के चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। फैक्ट नंबर 7, जिस तरह इंसान अपने बच्चों से प्यार करता है, ठीक उसी तरह एनिमल किंगडम के जीव जंतु भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शेर, जो जंगल का राजा होता है और जिससे सभी जीव डरते हैं, वो अपने बच्चों को खुश करने के लिए नाटक करने में माहिर होता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब शेर के बच्चे छोटे होते हैं तो वो खेल कूद में अपने माता पिता को काटने की कोशिश करते हैं। ऐसे में शेर और शेरनी बच्चों के काटने पर नाटक करते हैं कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा है और चीखते हुए अपना मुंह खोल लेते हैं। शेर ये नाटक इसलिए भी करता है ताकि उसके बच्चों को शिकार करने का कॉन्फिडेंस आ सके और वो पूरी ताकत के साथ अपने शिकार पर हमला कर सके। शेर की ये आदत बिल्कुल इंसानों से मिलती है, क्योंकि कई बार इंसान भी छोटे से बच्चे के मारने पर रोने का नाटक करता है और बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है। फैक्ट नंबर 8, प्राचीन समय में लोग खान पान के लिए शिकार पर निर्भर रहते थे। ऐसे में उन्हें जंगल में जाकर कई प्रकार के जीवों का शिकार करना पड़ता था, लेकिन उन सभी जीवों में भालू का शिकार करना सबसे मुश्किल था, क्योंकि भालू आकार में इंसान से बड़ा होता है और आक्रामक होने पर हमला भी कर देता है। ऐसे में साइबेरिया में रहने वाले शिकारी 18वीं शताब्दी में भालू को मार गिराने के लिए खास तरह का सूट पहनकर जंगल में जाते थे, जिसे स्पाकी सूट कहा जाता है। इस सूट में बाहर की तरफ नुकीली कीलें और लकड़ियां निकली होती हैं, ताकि जब भालू शिकारियों पर हमला करे तो उन नुकीली चीजों के संपर्क में आने से खुद घायल हो जाए। इसके अलावा स्पाकी सूट पहनकर शेर और चीते से घातक जानवरों का शिकार करना भी आसान होता था, क्योंकि इसे पहनकर शिकारी खुद सुरक्षित रह सकते थे। हालांकि बीते समय के साथ शिकार करने की प्रथा पर रोक लग गई, जिसके बाद इस तरह के नुकीले स्पाकी सूट म्यूजियम की शोभा बन गए। फैक्ट नंबर 9, समुद्र की गहराई में कई रंगीन और खूबसूरत मछलियों की प्रजातियां रहती हैं, जिनमें से कुछ खतरनाक होती हैं, जबकि कुछ बहुत ही शांत और प्यारी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र के ठंडे और जमा देने वाले पानी के इलाकों में सेल फिश नाम की एक मछली पाई जाती है, जो आसपास के वातावरण और मूड के हिसाब से रंग बदलने में माहिर होती है। सेल फिश अपनी नुकीली नाक और विशाल काय एक तरफा पंखों की वजह से आसानी से पहचानी जा सकती है, जो अपने शरीर का रंग मूड के हिसाब से बदलती है। यानी अगर इस मछली को जब शिकार करना होता है तो उसकी त्वचा का रंग गहरा काला या नीला हो जाता है। वहीं जब सेलफिश थकान महसूस करती है या फिर बहुत ज्यादा रोमांचित हो जाती है तो उसकी त्वचा इंद्रधनुषीय रंग की हो जाती है। इसके अलावा सेलफिश को समुद्र में रहने वाली सबसे फास्ट मछली भी माना जाता है, जो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैरने में सक्षम है। सेलफिश की शारीरिक लंबाई 340 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि वजन 100 किलोग्राम या उससे ज्यादा हो सकता है। फैक्ट नंबर 10, ये तो हम सभी जानते हैं कि स्पेस की दुनिया अपने आप में बहुत ही रोमांचक और विचित्र है, इसलिए वहाँ तक पहुँचने और जीवित रहने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस सूट पहनना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस सूट का वजन कितना होता होगा? अगर आपको लगता है कि ये 3 से 5 किलोग्राम तक होगा तो आप बिल्कुल गलत है। असल में एक स्पेस सूट का वजन बिना एस्ट्रोनॉट के 127 किलोग्राम तक होता है, जिसे अंतरिक्ष यात्री पूरी स्पेस यात्रा के दौरान पहने रखते हैं। दरअसल इस स्पेस सूट को तकनीकी की मदद से तैयार किया जाता है,
जिसे पहनने के बाद यात्री आराम से स्पेस में घूम सकते हैं और वहां के वातावरण में ढलने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि स्पेस सूट का वजन काफी ज्यादा होता है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो स्पेस सूट के भारी भरकम वजन के साथ काम करने की आदत डाल लें। हालांकि स्पेस में हवा और ग्रेविटी ना होने की वजह से स्पेस सूट का वजन ना के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।